लोग सीडी डिस्काउंट देंगे हम आपको। अरे क्या डिस्काउंट, कितना दोगे? 10% दोगे, 15% दोगे, 20% दोगे? 6 रुपए का 20% कितना हुआ? 1 रुपया 20 पैसा तो भी 4 रुपए 80 पैसे का पड़ा, मुझे 2 रुपए में चाहिए। लेकिन वॉल्यूम अगर समझ लो 20 लाख क्वांटिटी ऑर्डर है तो दे देंगे हम। अच्छा क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आप डिस्काउंट दे दोगे? हाँ चलो वापस लौटो, हमारे को बिना डिस्काउंट के बेच के दिखाने वाला है तो बताओ। हम वॉल्यूम भी पूरा देंगे, कैश भी देंगे। हाँ आगे चलो, बोलो मैम। I am Arpita. I'll offer for 6 bucks and we'll work on eco-friendly model. मतलब हम बांबू यूज करके बनाएंगे, हम एक स्टोरी sort of आपको स्टोरी और इमोशन बेचेंगे, तो आपको अगर हमारी स्टोरी अपील करती है तो आप आगे कस्टमर को भी उसी स्टोरी पे सेल कर सकते हो। वी आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। मैडम बांबू अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, धंधा चलाना है, बाजार में जूस का डब्बा महंगा कर नहीं सकते, 25 रुपए 30 रुपए का बेच नहीं सकते, 20 रुपए की बेंच मार्किंग है। आप मुझे इसी स्टोरी के साथ, इसी बैम्बू के साथ 2 रुपए में दोगे? हाँ या ना? बैम्बू में सर एक्सपेंसिव पड़ता है, एक बार आप ये स्टार्ट करके देखो, अगर मार्केट में चलता है। मुझे बिना बैम्बू का दे दो, मुझे बिना बैम्बू का दे दो, मैं स्टार्ट क्यों करूँगा? 24 रुपए में जूस का डब्बा पड़ेगा मुझे घर पे। 24 का हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, वी विल वर्क ऑन द प्राइसेस। बट क्या करोगे प्राइसिंग बताओ? 2 रुपए तो नहीं करेंगे, लेकिन पहले तो अपने 5 भी क्यों किया? अब जाओ वापस, चलो 6 में रहते हैं। आई विल टेल यू व्हाट वी कैन डू फर्दर, लेट्स टेक ऑन 6। बोलो आप ये न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करके देखो, इफ इट वर्क्स आउट वेल वी इवेंचुअली डिक्रीज द प्राइस, जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेगी। मैडम अगर क्वांटिटी इंक्रीज हुई 24 रुपए की, हर डब्बे पे इंक्रीजिंग क्वांटिटी पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट मुझे एक्स्ट्रा आ रही है, मैं रोज मरते चले जाऊंगा। नहीं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं आएगी, जब क्वांटिटी बढ़ाते रहोगे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी, देन वी विल वर्क आउट ऑन द कॉस्टिंग पार्ट। मैथमेटिक्स बताओ, डोंट टेल मी इमोशन, टेल मी मैथमेटिक्स। धंधा पैसे से चलता है, इमोशन से नहीं। आप क्या समझना चाहते हो, जस्ट एलैबोरेट मोर। मैं ये समझना चाहता हूँ मुझे कॉस्ट 2 रुपए के नीचे कैसे आएगी, 1 रुपए 80 पैसे कैसे आएगी, 1 रुपए 70 पैसे कैसे आएगी, 6 रुपए में नहीं। सर कॉस्ट में पहले तो भागो मत, यू वर्क ऑन, हमारी टारगेट ऑडियंस ही अलग है, आप उसको टारगेट मत करो जो अभी तक आप टारगेट करते आ रहे हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट ऑन, पहले ये 10,000 करोड़ का धंधा बंद कर दूं, आपकी 9,000 करोड़ की वो वाला काम आप करते रहो, ये एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट करो। न्यू सेगमेंट के लिए अलग काम करेंगे, अगर आपको नीश मार्केट में जाना है, 30 रुपए 50 रुपए का डब्बा देना है, तो वो बिजनेस 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, इसको 100 करोड़ के आजू बोलते हैं। न्यू सेगमेंट टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज किया बैम्बू के डब्बे की, कितने लोग देश में बैम्बू के डब्बे का मेरा जूस खरीद लेंगे और मैं मेहनत कर दूंगा उसको। मार्केट प्लीज, थैंक यू वेरी मच, नॉट नीडेड। आप लोग क्या सोच रहे थे, इतना आसान है बिना डिस्काउंट दिए काम कराना? आप क्या सोच रहे थे, क्या मैं इनको आसानी से छोड़ दूं, ले लूं? ट्राई करके देखो क्या मतलब है, भाजी थोड़ी दे रहे हो मुझे आप। सुनो भाई लोग, थोड़ा कठोर होने वाला हूं, चलेगा यस नो? थोड़ा कड़वा बोलूंगा, चलेगा यस नो? ओके बोलो सर। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल बनता है तो एक चीज़ से नहीं बनता, उसमें टैग निकले अननेसेसरी होती है। मैं पैकेजिंग मटेरियल से फोन करता हूँ सर, पैकेजिंग मटेरियल जो भी मैन्युफैक्चर करते हो 3-4 रॉ मटेरियल से बनता है, मैं 2 रुपये में ही बेस्ट क्वालिटी में ऐसा प्रोडक्ट दे सकता हूँ, वो लीकेज नहीं करेगा गारंटी के साथ, क्योंकि कोई भी पैकेजिंग मटेरियल 3-4 इंडिकेटेड रॉ मटेरियल से बनता है, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 ही रुपये में मैं ऐसा प्रोडक्ट दे दूंगा कि वो लीकेज भी नहीं होगा और उसके 100% गारंटी भी दे सकता हूँ। ओके टेक्निकल जी सर, जब आपको सवाल किया दिया था कि 6 में बेच के दिखाओ, आपने 2 में बेच दिया, चलो वापस जाओ। सवाल ये है कि 6 में बेच के दिखाना है, छोड़ दिया आपको तो। हाँ बताओ, MRP में इंक्रीज नहीं कर रहा क्योंकि बेंच मार्किंग 20 रुपए की है, बाजार में डब्बा 20 का होता है, शेल्फ ऑप्टिक गिर जाएगा मेरा। इनको मैं आपको अभी 5 मिनट के बाद 6 रुपए में बेच के दिखाऊंगा,
नहीं लेकिन आप मैं 5 मिनट के बाद बिना प्राइस बढ़ाए क्षेत्र में बेच के दिखाऊंगा, आप सुनो यहाँ से बस, अब तो मैं भी बेच के दिखाऊंगा और खरीदेंगे भी सर। हाँ अभी 6 MRP, 2 मैं 6 रुपए का बेच के दिखाऊंगा और MRP बिना इंक्रीज किए, और 6 रुपए का 2 रुपए को बिना किए। हाँ फिर आप तो सच्ची गुरु है भाई। मैं तो कर करो 5 रुपए में ले लिया मेरे। हाँ जी अभी बिना प्राइस बढ़ाए 6 में बेच के दिखाऊंगा, दिखना चाहते हो यस नो? दिखना चाहोगे यस नो? जी बताओ देवी जी। भैया बावच कर बुरा नहीं मानना, कैश एंड कैरी, कोई क्रेडिट नहीं, कोई उधारी नहीं। एक तो पहले इनको मई को भाई के सुनो पहले, रुको जरा भैया की क्या कह रहे हैं उन्हें आए। अरे बोलने तो नहीं बोलते, बोलने बोलने जो बोलो तो आप सेम करेक्टर हमें बोल रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि हम वही बोल रहे हैं। एक तो MRP इंक्रीज करो, 26 करो, नहीं करेंगे। हाँ तो 6 रुपये का 2 रुपये को देने को तैयार है आप, वॉल्यूम में आने वाले 1 लाख क्वान्टिटी है, इमीडिएट पेमेंट है और सेम है। मैं बेच के दिखाऊँ मुझे तो आप सेम करेक्टर रखने वाले हैं, सेम क्राइटेरिया मर्जी में क्यों सेम क्राइटेरिया। और पैकेजिंग पैकेजिंग चेंज कर सकता हूँ और फूड ग्रेड प्लास्टिक भी आता है, मैं वही पैकेज पैकेजिंग दूंगा और बढ़िया। अभी देखिए रुको भाई, लोग थोड़ा केस स्टडी सीखो, रुको सुनो ध्यान से। 2 रुपए की पैकेजिंग में आपके कस्टमर भी तो लॉस हो गया, वहाँ पे भी तो आपका लॉस होगा, तो 6 रुपए में आप वो करके क्यों नहीं लॉस करना चाह रहे हैं? अपना प्रोडक्ट जबरदस्ती प्राइसिंग बढ़ा दीजिए आप, टेट्रा पैक इतनी बड़ी कंपनी इतना अच्छा माल बनाते हैं, आप अपनी कॉस्टिंग कम करो, मैं 2 मिल लूंगा आपको। नहीं मेरे को वो पैकेजिंग चाहिए तो फटनी नहीं चाहिए। मेरे को पैसे नहीं है लेकिन मैं 2 ही मिलूंगा, सचूला देगा था 2 में देखना। एक बात बताऊंगे, एक बात बताता हूँ मैं कैसे लोग सुनो उनकी, छज्जू लाल मेरे साथ 20 साल से काम कर रहा था, आज उसका डब्बा लीक किया हुआ, ये सब लुटेरे आ गए मेरे को लुटने के लिए 6 रुपये में। इतने सालों से उसने मेरे साथ वफादारी निभाई है, वो 2 रुपये में देता था मुझे, ये 6 रुपये में देने आए। 2 में दोगे? नो सर 2 में नहीं देंगे, लेकिन हम हमारी जो पैकेजिंग का क्वालिटी है ना वो कभी डिक्रीज नहीं करेंगे, जैसे उसने छज्जू लाल ने अभी कर दिया है। हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, ये लोग अपनी तारीफ करने में लगे हैं। हमारी क्वालिटी, मेरी क्वालिटी, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा क्यों हूँ, 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 मैं जैसा। तो शास्त्रों में कहा जाता है अहंकार विमूढ आत्मा स्मृति मन्यते, ये अहंकारी लोग हैं अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, मैं मेरी पैकेजिंग, मेरी पैकेजिंग, मेरी क्वालिटी, मेरी पैकेजिंग। आपकी इतनी अच्छी कंपनी है तो पैसा कम करके दिखाओ बॉस, तब फिर हुआ। सर हम अपनी तारीफ कर रहे हैं लेकिन इसमें आपका भी तो प्रॉफिट है, आपका भी तो प्रॉफिट है। कैसे सर? अच्छा मैं तैयार हूँ सुनने को, मैं सुनने को तैयार हूँ। आप एक गाइस रिलैक्स प्लीज, मैं सुनने को तैयार हूँ, अगर आप मुझे प्रूफ कर दो कि मेरा प्रॉफिट है बताओ। मैं सुनने को तैयार हूँ, आप प्रूफ करो कि मेरा प्रॉफिट है। सर बस मुझे एक क्वेश्चन के बाद मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि क्या सिर्फ आपका एक ही प्रोडक्ट है वो फ्रूट जूस? फ्रूट जूस जस्ट? हेलो, या उसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट है आपका? नहीं और भी प्रोडक्ट है लेकिन मैं भी जूस के डब्बे पे फोकस कर रहा हूं, आप उसको बताइए। बिल्कुल नहीं सर, सर उसकी चांसेस है कि आप अपना प्राइस इंक्रीज करो। प्राइस इंक्रीज नहीं करूंगा, 20 रुपये में बेचूंगा। देखो ना हाथ खिला रहा है तो सर आप अपने कस्टमर लॉस कर रहे हो। कैसे लॉस कर रहे हो कस्टमर?
सर मेरा अगर जूस का पैकेट पीते टाइम फट जाए या मेरे हाथ में आते टाइम फट जाए मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा ठीक है आपका आप पहली लड़की हो जिसने एक पॉइंट लॉजिकल बोला लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रही हो आपको और आगे बढ़ना है आप आगे नहीं बढ़ रहे हो आपके आंसर का जो डायरेक्शन है ना मैं यहीं से लेके जाऊंगा यहीं से शुरुआत करूंगा बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने अभी खत्म दो बारे करने दो ट्राई को इनको ट्राई करने सर मैं आपको रुको सुने हो रुको शांति रखो हाँ सर गुड मॉर्निंग मैं आपको 6 रुपये में दूंगा छः रुपये में दोगे क्यों दोगे 6 रुपये में मैं ले नहीं पाऊँ मेरे पैसे नहीं इतने सर मैं आपका मार्जिन भी बढ़वाऊंगा और 6 रुपये में दूंगा बताओ कैसे सर मैं सबसे पहले तो मेरी क्वालिटी इतनी बढ़िया दूंगा जिससे आपकी सेल इंक्रीज होगी अगर ये लोग मैं क्वालिटी जोर से बोलो मैं एवरीबॉडी स्टेडियम कम ऑन सर आपकी परवाह है सबसे पहले आपकी सेल ज़्यादा होगी हमारी क्वालिटी बढ़िया होने के कारण और उसके बाद हम आपसे बिल्कुल गारंटीड एग्रीमेंट साइन करेंगे कि आपसे हम पेमेंट बाद में लेंगे आपके घर में जब मार्जिन आ जाएगा उसके बाद हम आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद हम पेमेंट लेंगे आपको मार्जिन भी बढ़े ओके ठीक है भाई बंद करो तो आप लग रही है कौन देख रहा भाई प्लीज जल्दी ओके ठीक है रुको अभी मेरे को पहले मुझे लड़ने दे दो अच्छा लेकिन एक बात बताता भैया क्या नाम है आपका नवीन जैन क्योंकि तुम जैन हो ना इसीलिए सही डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं कर रहे हो मैं अब कंप्लीट करके दिखाऊंगा पर मैं आपको और देवी जी को बधाई दे रहा हूँ ये दो लोग आंसर कंप्लीट नहीं कर पाए डायरेक्शन पकड़ा अभी खाली अब मैं आगे लेके चलता हूँ गाइस इनको रिलैक्स करवाते हैं मेरा सेशन बहुत लंबा है और मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट देने नो मोर पॉइंट फ्रॉम हियर मैं आपको 6 रुपये में बेच के दिखाता हूँ सुनना चाहेंगे कम ऑन राउंड सुनना चाहेंगे थैंक यू एवरीबॉडी इन सबके लिए ताली बजाओ उन्होंने इतना कठोर सुना है जोरदार ताली बजाओ थैंक यू सुनो भाई लोग हाथ आगे लाइए एवरीबॉडी की हाथ का इधर से लेके उधर हाथ ऊपर निकाले बात बोलिए प्रोडक्ट नहीं बेचना है आउटकम बेचना है क्या बेचना है आउटकम में मार्जिन दिखना चाहिए उसको सुनो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप सीख गए ना तो बाजार में मार्केट लीड करोगे बड़े बड़े धंधे लेके आओगे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मेरा नहीं मेरे कस्टमर के कस्टमर का सुनो कैसे मेरा कस्टमर कौन है डाबर का कस्टमर कौन है डिस्ट्रीब्यूटर का कस्टमर कौन है रिटेलर का कस्टमर कौन है बायर का कस्टमर कौन है कंज्यूमर ये पूरी वैल्यू चेन है इस वैल्यू चेन में मेरे को देखना है कि मैं कहां से पैसे बचाता हूं भी देखना कैसे मेरे को बनाना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मनी मेकिंग मॉडल सीखना चाहेंगे ए गाइस थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए थक गए हो क्या सीखना चाहेंगे दो चीजें देखो पहले गिव मी योर हैंड आउट थोड़ा हाथ बाहर निकालो आगे आओ बोलो आपका कस्टमर कमाता कहाँ पे गवाता कहाँ पे लिटिल एक्शन कमाता कहाँ पे गवाता कहाँ पे त्यागी जी आप कर रहे हैं ये कौन कर रहा है हाँ पूछ देंगे ईशान गोयल जी आई हो रहा हूँ सुनील सर आई हो रहा हूँ ज्ञान सर आई हो रहा हूँ वाई इज दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है लाइट मत ऑन करो व्हाट इज इट कौन ऑन कर रहा है लाइट
वो लाइट बार बार उधर के भी ऑन कर देते हैं, बार बार वो रुकते हैं, बार बार प्रोग्राम रुकता है, कौन कर कौन रहा है, किसके हाथ में स्विच है, प्लीज स्टॉप दैट गाय, इट इज बॉदर, थैंक यू गाइस एंड सॉरी फॉर द एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच. ईशान सर, इस लेट मी नो था कौन ये, तीसरी बार ही किया है, लेट मी नो हु इज दैट गाय, प्लीज टॉक टू हिम सेपरेटली, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर दिस एक्सपीरियंस, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक, धन्यवाद. अब समझते हैं इसको, वो पुणे वाले भैया कहाँ हैं, पुणे वाले भैया कहाँ हैं, उनको खड़ा कर सकता है अगर कोई, हाँ आप एक्स्ट्रा ध्यान देना, क्योंकि आपने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये दो चीज़ों का फ्रेमवर्क है, धीरे धीरे बिल्ड होएगा, आपको समझ में आने लगा मैं क्या कर रहा हूँ. इस फ्रेमवर्क को पकड़ो, डाबर कहाँ से कमाएगा, या तो उसकी सेल्स बढ़ जाए, सेल्स बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, या उसकी कॉस्ट घट जाए, लीकेज को आपको उसका एक प्रेमाइज कैप्चर करो, अजम्पशन ले लो, मान लो उसका 20% डब्बा लीक हो रहा है, तो 10,000 करोड़ में 20% डब्बा लीक होने से क्या नुकसान हो रहा है, जब 20% डब्बा लीक होता है तो बाजू वाला खराब होता है, आगे वाला खराब होता है, पीछे वाला खराब होता है, ऊपर वाला खराब होता है, नीचे वाला खराब होता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स आता है, ब्रांड खराब होता है, मक्खी बिन बिन आती है, कस्टमर वापस नहीं आता है, तो 10,000 करोड़ कितना कम होने वाला है, कितना लॉस होगा, उस लॉस को घटाते हैं और उसको फैक्टर इन करेंगे, तीन स्टेप में चलेंगे, जरा हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए एवरीबडी, तीन स्टेप करेंगे, बोलो माय यूनिक फीचर, जो बोलो माय यूनिक फीचर, वो कईयों ने किया, हाथ आगे लाइए, योर यूनिक बेनिफिट, योर यूनिक बेनिफिट, तीसरा पॉइंट क्या होगा, माय यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, सुनो जरा, जिसको इंग्लिश नहीं आती ध्यान सुनो, वैल्यू को क्वांटिफाई करो, कैसे करेंगे सुनना, टेट्रा पैक आप थे, बड़ा ब्रांड हो, छज्जूलाल 2 रुपए में दे रहा है, अब ये बताना है उसको कि अंत, समबडी स्टॉपिंग इन प्लीज, डोंट डू दैट, रिडक्शन इन अनसेलेबल, आपका अनसोल्ड माल जो है उसको मैं रिड्यूस करूंगा, अनसोल्ड माल की कॉस्ट क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर 20% डब्बा मेरा अनसोल्ड है या 30% डब्बा मेरा अनसोल्ड है, तो वो जो 20 रुपए का मैं 30% माइनस कर दूं, तो मैं उसको समझाऊंगा छज्जूलाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, 6 रुपए का पड़ रहा है. आगे चलते हैं, फूड वेस्टेज, अगर 20 रुपए के डब्बे में आपकी फूड की कॉस्ट मैं केवल 20% मान लूं तो 4 रुपया, तो अब आपका जो 4 रुपए का जूस आप 20 रुपए में बेचते हो, लेकिन वो जो 4 रुपया का जूस है वो खराब होने से 4 रुपया प्लस 2 रुपया, छज्जूलाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, यहां पे एक और 6 रुपए का पड़ रहा है, 12 रुपया हो गया, आपकी इन्वेंट्री ब्लॉक हो रही है, 20% इन्वेंट्री भी अगर आपकी एक्सपायर होकर वापस लौट आती है, 20 रुपए का 20% 4 रुपया, लेकिन एक्चुअली पूरा 20 रुपए चला जाता है, छज्जूलाल का डब्बा आपको 2 रुपए का नहीं पड़ रहा, यहां पूरा 20 रुपया 20% पूरे टर्नओवर का वापस आ रहा था, और अगर मैं 20 रुपए का 20% लगाऊं तो 4 रुपया दोबारा से, तो 2 रुपया प्लस 4 रुपया एक और 6 रुपया 18 रुपए का पड़ रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ने की जगह घट रहा है. मैं 3 स्टेप कर रहा हूं, अपनी तारीफ कर रहा हूं, मेरा डब्बा अच्छा है, आपका बेनिफिट निकाल के बता रहा हूं और इसको क्वांटिफाई करके बता रहा हूं कि छज्जूलाल का डब्बा आपको 2 कप पड़ ही नहीं रहा भाई साहब, वो पड़ी बहुत महंगा रहा है आपको, समझ में आना शुरू हुआ, और आगे चलते हैं, मैं आपका कितने रुपए का मार्जिन बढ़ाऊंगा, मैं आपका कितने रुपए का रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, अब अगर मैंने बोला उसको जैसे मैडम है कह रही है मैं 6 रुपए में दूंगी, फिर उसको क्वांटिफाई करना है, लेकिन वो भिड़ गई, बैम्बू भिड़ गई, ये करने की जगह लेना है तो लो नहीं तो छोड़ो, लेना है तो लो नहीं तो छोड़ो, ये वो चीजें हैं जो रेलवे स्टेशन पे चल सकती है, बस अड्डे पे चल सकती है, छोटी पटरी पे चल सकती है, सब्जी की दुकान पे चल सकती है, आप धंधा बहुत बड़ा करने वाले हो, आपको मैथमेटिक्स उसके पर्स का खोल के दिखाना है, उसके बैंक बैलेंस दिखाना है कि मैं कैसे बढ़ा रहा हूं, बात समझ में आ रही है, यस नो,
गाइस मेरी बात सुनना ध्यान से, इस तरीके के टॉपिक आपको इस देश में कोई नहीं सिखाने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस तरीके से कोई सिखाने वाला नहीं है, जितना ध्यान बैठन करके पूरा फायदा लेके बनाया है। मैं आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितने का बढ़ा रहा हूँ उस कॉस्ट को अपोर्शन करके 20 रुपये में लाता हूँ। मैं आपका कैश फ्लो कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, ब्रांड इक्विटी। भाई साहब आपकी एडवर्टाइजिंग का बजट जो है ना वो एक डब्बे पे मान लो 20% का है या 25% का है, तो 5 रुपये आप एडवर्टाइजिंग पर लगाते हो। एडवर्टाइजिंग से आप सोच रहे हो आपकी सेल्स बढ़ेगी, शेल्फ ऑफ टेक बढ़ेगा, शेल्फ से जूस का डब्बा उठेगा, आपके 5 रुपये तो जा रहे हैं, सेल बढ़ नहीं रही और घट रही है। छज्जूलाल का डब्बा 2 रुपये का नहीं पड़ रहा, 1 और 7 रुपये का पड़ रहा आपको। एक गाइस बात समझ आ रही है? फिर मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नया कस्टमर ला के दूंगा। हाथ आगे लाइए, कैसे? जोर से बोलिए। अभी किसी ने बोला कि पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। मैं चेंज करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ मेरी पैकेजिंग इतनी अच्छी है 6 रुपये की, लेकिन आपको फ्री में पड़ेगी। और बल्कि इसको ऐसे समझो कि आज आपका जूस का डब्बा जब तक फ्रिज में ना रखा जाए आप बेच नहीं सकते। मैं जूस का डब्बा ऐसा दे रहा हूं, अनऑर्गेनाइज मार्केट जिनके पास फ्रिज नहीं है राशन के दुकान वाले, वो सारी नई मार्केट जो बिना फ्रिज का राशन का दुकान वाला है, वो सारी नई मार्केट इसी जूस के डब्बे से ला के दूंगा। अगर मैंने आपका 30% भी धंधा बढ़ा दिया ना तो 10,000 करोड़ का 30% फिर से 3,000 करोड़ बढ़ा के दे रहा हूं मैं आपको। 20 रुपये का 30% लगा लो 6 रुपया। भाई लोगों ये डब्बा आपको 6 रुपये का नहीं फ्री का पड़ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? यस ट्रू। आगे चलते हैं, मैं आपके पुराने कस्टमर को रिटेन करूंगा। अभी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या है? अभी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ